अच्छा ये बताओ, जो एन की पावर n-2 था वो हाँ किसके लिए था? वो भी स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशन ही थी कि स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए? हाँ स्पेनिंग ट्री की एप्लीकेशन थी, स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए कि एन, नहीं, सॉरी, n-2 वाला था कि आप किसी भी ग्राफ से इतने पॉसिबल स्पेनिंग ट्रीज बना सकते हैं। ठीक ओके ठीक। है, अच्छा ये नजर आ रही होगी स्क्रीन, ये बन गया है एक ग्राफ। ठीक है, अब हमें इस ग्राफ से जो है एक निकालना है मिनिमम स्पेनिंग ट्री। इस ग्राफ में है जो है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और काफ़ी सारी एजेस हैं और उन एजेस पे कॉस्ट लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब एक और मसला हो गया, नहीं, मसला नहीं हुआ, सॉरी, मैं कुछ एजेस बनाना भूल गई। एक और एज जा रही है, 8, और एक लूप भी आ रहा है। अच्छा, इस तरह के ग्राफ से आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ काफी मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा है और कहेंगे कि इससे निकालिए मिनिमम स्पेनिंग ट्री। ऐसे ग्राफ से मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने के सबसे पहले दो रूल होते हैं। दो रूल होते हैं, अगर ग्राफ में कोई लूप आ रहा है तो उस लूप को खत्म कर दें। दूसरा, उस ग्राफ में कोई पैरेलल एजेस आ रही हैं तो उन पैरेलल एजेस को खत्म कर दें। ठीक है, ये दो रूल होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें आया, इसमें ये लूप बना हुआ है और पैरेलल एजेस हैं, तो सबसे पहले तो इस पैरेलल एज को खत्म कर दिया, सॉरी, लूप को खत्म कर दिया, और जो लूप के साथ उसकी कॉस्ट थी उस कॉस्ट को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब दूसरा आता है पैरेलल एजेस को रिमूव करना। अब पैरेलल एजेस को कैसे रिमूव किया जाए जबकि यहाँ पे दो एजेस हैं, दोनों में से कौन सी एज को रिमूव किया जाए? तो हम उस एज को रिमूव करते हैं जिसकी दोनों में से जिसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है उसको हम रिमूव करते हैं, क्योंकि हम एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री ढूंढ रहे हैं ना, तो जिसकी कॉस्ट कम हो उसको हम रखते हैं, जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो उसको हम नहीं रखते हैं। तो इस दोनों एजेस में जो है ज्यादा कॉस्ट जो है वो इस वाले की है जिसकी 8 है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद कर लें। लूप को रिमूव करते हैं और लूप को रिमूव करने के बाद हम पैरेलल एजेस को रिमूव करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि इसमें से, इस ग्राफ में से किसी भी एक वर्टेक्स को एज अ रूट या आर्बिटरी नोड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आर्बिटरी का मतलब भी रूट ही होता है। अब ये देखें कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल, हमने जो है वो 1 को एज अ, 1 नहीं, ए को जो है वो एज अ ए को हमने एज अ रूट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रूट एज अ सेलेक्ट कर लिया हमने ए को। अब हम क्या करेंगे कि ए से चेक करेंगे कि ए से कितनी आउट गोइंग एजेस आ रही हैं। ठीक है, यही ग्राफ मैं दोबारा से बनाती हूँ, मतलब पूरा नहीं बना रही, समझाते समझाते बना रही हूँ। ठीक है, ए आ गया हमारे पास। ए से हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी एजेस जा रही हैं। हमारी कितनी एजेस जा रही हैं? दो। एक जो है वो बी की तरफ जा रही है, एक जो है सी की तरफ जा रही है। इन दोनों में से जिसका सबसे मिनिमम जो है वो होगा, कॉस्ट होगी, उस एज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन सी एज को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे? यहाँ पे एक 8 थी, एक 7 थी। 7 इज द लेस देन, तो 7 को हमने सिलेक्ट कर लिया। 7 मिल किससे रही थी? बी से, बी बना लिया हमने और 7 कॉस्ट के साथ इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम अब बी पर आ गए हैं, तो अब हम देखेंगे कि बी से कितनी एजेस जा रही हैं। बी से एक तो ये ए वाली जा रही थी, लेकिन ए को हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। बी से एक जो है वो डी की तरफ जा रही है, एक सी की तरफ जा रही है, यानी 6 और 3। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रही हूँ उस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। हमने बी की जो आउट गोइंग एजेस थी उसको उन दोनों के बीच तो कंपैरिजन करना है, उसके अलावा ए पे हमारी कितनी आउट गोइंग थी? दो थी। दो में से हमने कौन सी सिलेक्ट की? एक। तो जो एक बची है ना, हम उसको बी की दोनों एजेस के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि ये वाली एज हो गई 8, 3 और 6,
इन तीनों को जो है हम आपस में कंपेयर करेंगे, सबसे लेस देन कौन सी है, थ्री वाली, दिस हम ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ना समझ आए तो पूछिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत फिर इम्पोर्टेंट है। हाँ से बता दिया, फिर से बता अच्छा, दिया। ओके ओके, फिर से बताती हूँ। पूछ लिया करें, जैसे भी बीच में हुआ करें पूछ लिया करें फटाफट, ठीक है? अच्छा देखिए, हमारे पास ना एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री गिवन होगा, ठीक है? सॉरी, मिनिमम स्पेनिंग ट्री नहीं, एक ग्राफ गिवन होगा। उस ग्राफ में हम पहली कंडीशन चेक करते हैं कि इसमें कोई लूप नहीं होना चाहिए, अगर लूप है तो हम उस लूप को रिमूव कर देंगे। दूसरी कंडीशन होती है उसमें पैरेलल एजेस नहीं हो, अगर पैरेलल एजेस हैं तो हमारे पास चॉइस आती है कि हम कौन सी एज को रिमूव करें। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट कॉस्ट होगी, लाइक अगर तीन पैरेलल एजेस है, तीनों में जिसकी सबसे हाई है सबसे पहले उसको रिमूव कर दें, फिर दो बचेंगी उन दो में भी जिसकी सबसे हाई है उसको रिमूव कर देंगे। हमारे केस में सिर्फ एक लूप था, हमने उसको रिमूव कर दिया, दो पैरेलल एजेस थे तो दो में से जिसकी सबसे हाई थी उसको रिमूव कर दिया। अब हमने बनाना है इससे मिनिमम स्पेनिंग ट्री। मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले किसी भी एक वर्टेक्स को एज अ रूट सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। हमने इस केस में ए को जो है एज अ रूट ले लिया, ठीक है? तो बनाते बनाते हमने सबसे पहले ए बना लिया, ठीक है? अब ए से जो है हम चेक करेंगे कितनी आउट गोइंग एजेस जा रही हैं। आउट गोइंग यानी कि कितनी एजेस निकल रही हैं। हमारे केस में दो एजेस निकल रही हैं, एक जो है वो बी से मिल रही है, एक जो है सी से मिल रही है। अब इन दोनों में से कंपेयर करें कि सबसे लो कॉस्ट कौन से एच की है। यहाँ पे सबसे लो कॉस्ट कौन से एच की है, सेवन की है। एट बड़ा है, सेवन छोटा है। सेवन किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। हमने बी ड्रॉ कर दिया और इनके बीच एच बना दी और इस पे कॉस्ट लिख दी, ठीक हो गया? अब हम बी पे आ गए हैं, तो अब हम बी से कंपेयर करेंगे कि बी से कितनी एजेस जा रही हैं। बी से एक डी की तरफ एज जा रही है, एक सी की तरफ एज जा रही है, दो एजेस हो गई। अब पीछे हमने जितनी एजेस को चॉइस पे छोड़ दिया था ना, हम उसको भी कंपैरिजन में काउंट करेंगे। जैसे ए पे हमारी दो जा रही थी तो एक एज हमने बना ली, दूसरी एज जो एट वाली कॉस्ट थी उस एज को छोड़ दिया था, ठीक है? तो ये एट वाली एज और बी से जो दोनों एजेस निकल रही हैं, सिक्स और थ्री वाली एज, इन तीनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। इन तीनों के बीच कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे ज्यादा छोटी है ना उसको हम बना लेंगे। तो इस केस में सबसे ज्यादा छोटी थ्री है, ठीक है? तो थ्री किससे मिल रही है, सी से जाके कनेक्ट हो रही है, तो हमने ये बना ली, ठीक हो गया? अब हम सी पर आ गए, सी से कितनी जा रही है। सी से एक जो है डी की तरफ जा रही है, ये फोर वाली, और जो है एक ई की तरफ जा रही है, थ्री वाली। अब ये दो तो हैं, लेकिन बी की कौन सी हमारी रह गई थी, बी की एक ये सिक्स वाली रह गई थी और ए की एक एट वाली रह गई थी। यानी पीछे से हम जितनी एजेस को जो कि हमने छोड़ दी थी क्योंकि वो ग्रेटर देन थी, उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे कंपैरिजन में। तो इसकी ए की जो एट वाली है, बी की जो सिक्स वाली है और सी की जो फोर और थ्री है, इन चारों के बीच कंपैरिजन करेंगे, चारों के बीच। तो एट जो है वो सबसे बड़ा है, सिक्स उससे भी छोटा है, फोर सिक्स से भी छोटा है, और थ्री जो है वो सबसे ज्यादा छोटा है। तो हम थ्री वाली जो एज है उसको ड्रॉ कर लेंगे, वो जो कि ई से जाके मिल रही है, ठीक है? तो ये हो गई एज हमारी ड्रॉ, ठीक है? अब ई पर आ गए, तो ई पे हमारी दो एजेस जा रही हैं, एक डी पे जा रही है टू, एक एफ पे जा रही है टू, ठीक है? तो अब इन दोनों को और पीछे ये फोर सिक्स और एट, इन सबको हम छोड़ आए थे, अब इन सबके बीच कंपैरिजन होगा। तो सबसे छोटा नंबर टू आ रहा है, अब टू की दो एजेस आ रही हैं, दोनों में से कौन सी बनाई जाए, ये भी फिर एक मसला आ गया। अब दोनों में से कौन सी बनाए हम, तो आपकी चॉइस पे होता है कि आप दोनों में से कोई सी भी बना लें। हम एफ वाली बना लेते हैं, जिसमें एफ से जाके जुड़ रही है, ठीक है? ये एफ आ गया, ये कॉस्ट आ गई टू, ठीक है? अब हमारे पास कितनी बच गई, एक ये वाली बच गई एच, एक ये वाली एच बन गई जो डी और ई की है, एफ और डी वाली एच है, बी और डी वाली एच है, ए और सी वाली एच है, यानी कि एट एट सिक्स फाइव फोर टू,
ये सारी हमारी एजेस बच गई हैं। अब इन एजेस में सबसे छोटी कौन सी है? दिस वन। तो हम ये वाली ड्रॉ कर देंगे। ये कौन सी है? डी। ठीक हो गया, ये हमारा प्रिम्स एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। कोई सवाल? अब आप इसको चेक करें, प्रिम्स एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट हो गया। इसको चेक करें कि कोई एक भी वर्टेक्स डिसकनेक्टेड नहीं है, ना ही ये एक साइक्लिक बन रहा है, ना ही ये एक डिसकनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा इस पे ना वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू वी माइनस वन। वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 6 6 माइनस 1 5। 5 एजेस। अब हम काउंट करते हैं कितनी एजेस बन रही हैं। 1 2 3 4 5 5 एजेस बन रही है हमारी, तो यानी कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम 5 एजेस से एक भी एज ज्यादा बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ए टू सी बना दिया, ये बन रहा है एक साइकिल बन गया ये, तो यह तो हमारा स्पैनिंग ट्री हुआ ही नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक एज हमने ऐसे बना दी बी टू डी पे, ये फिर एक साइकिल बन गया। ठीक है, ये भी स्पैनिंग ट्री नहीं रहा। फिर एक एज अगर हमने डी और एफ पे बना दी, ये भी साइक्लिक हो गया, या फिर सी और डी पे बना दी, ये भी साइक्लिक हो गया, या फिर बी और ई पे बना दी, ये भी साइक्लिक हो गया। तो इसलिए ये हमारा था प्रिम्स एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हमने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पे एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री ढूंढ लिया। ठीक है, स्पैनिंग ट्री का हमारा यही सवाल आ सकता है कि क्रुस्कुल या फिर प्रिम्स के थ्रू जो है वो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाले। कोई सवाल? क्लियर है? अच्छा, अगर आपको चेक करना हो ना कि आपका क्रुस्कुल या फिर प्रिम्स जो है वो, सॉरी अभी क्रुस्कुल हमने देखा नहीं है, प्रिम्स पर ही है। अगर आपको चेक करना हो ना कि हमारा प्रिम्स सही है या नहीं है, तो वो जी नॉट इंटू वी नॉट कॉमा ई नॉट वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा। उसमें जो है इसकी 5 एजेस आ रही है, इस वाले की 5 एजेस आ रही हैं। तो और फिर आप काउंट करिएगा कि इसमें इतनी ही एजेस बन रही हैं। अगर इतनी ही एजेस बन रही हैं तो आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि करेक्ट नहीं है, चेक कर लिएगा, क्या पता हो सकता है वाकई में करेक्ट ना हो, कि कोई एज कम हो या कोई एज ज्यादा हो। ये प्रिम्स का था, क्रुस्कुल्स का था? प्रिम्स। करेक्ट है, करेक्ट। ओके, सही है। अब हम चलेंगे क्रुस्कुल पे। क्रुस्कुल पे भी हम सेम ही ग्राफ इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ज्यादा वो ना। हमजा ने जो पूछा था, ये प्रिंस था या सेकंड वाला, ये कौन सा था? प्रिंस 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 था। ओके यार, ये फरजीन अशवाक के नाम से जो भी आया है ना, मुझे 2 मिनट के लिए मिनी हार्ट अटैक आया था। दो सेकंड के लिए मिनी हार्ट अटैक आया था। आई हेट यू जो भी था ये। अच्छा सही है, वो मैंने डिलीट कर दिया। टू। अच्छा इसमें एक पैरेलल एज बना लेते हैं, 8 लूप बना लेते हैं, 1। अच्छा अब आते हैं क्रुस्कुल। क्रुस्कुल पे भी सेम आता है, सेम एप्लीकेशन अप्लाई होती है। लूप सारे रिमूव होने चाहिए, पैरेलल एजेस सारी रिमूव होनी चाहिए मैक्सिमम कॉस्ट की। ठीक है, मिनिमम तो लिखा हुआ है, हाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है। सही है, रिमूव कर दी हमने, रिमूव हो गए। अच्छा अब कहता है ये, इसमें बेसिकली क्या होता है
हम जो है एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं जहां पे जो है हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से स्टार्ट करते हैं, शॉर्टेस्ट कॉस्ट से, ठीक है। हमारे पास इस केस में सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट कौन सी है, ई टू एफ या फिर डी टू ई, ई टू डी कुछ भी लिखते हैं, बहरहाल ई टू डी हो गई, ठीक है। इसकी कॉस्ट हो गई हमारी 2, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो एफ टू ई आ गया, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 2। अब 2 से इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, 3, ठीक है। तो सी टू ई हमारी क्या हो गई, 3, और बी टू सी भी हमारी 3 हो गई। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4 आता है, तो सी टू डी हमारा 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। फिर इसके बाद जो है 4 5, डी टू एफ हमारा 4 2 5 5 आ गया। फिर उसके बाद आ गई 6, जो कि बी टू डी है। सिक्स आ गया, फिर 7 आ गया, ए टू बी। सेवन, फिर जो है वो लास्ट आ गया ए टू सी, जो कि हमारे पास है 8। ए टू सी, समझ लिएगा ये ए टू सी ही है, ये हमारे पास आ गया 8, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट किसकी है, ई टू डी की। ई टू डी को सिलेक्ट करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, हमारे पास ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है, तो हम शेप कुछ उसी तरह की रखेंगे जैसे ई टू डी था, यहाँ पे डी आ गया, तो ऐसे हेल्प आसानी हो जाएगी ग्राफ को जल्दी बनाने में। ई टू डी आ गया, इसकी कॉस 2 हो गई। फिर एफ टू ई आ गया, इसकी कॉस्ट 2 थी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास सीई आ गया, जो कि 3 है। फिर बी टू सी आ गया, जो कि दोबारा से 3 है। फिर आ जाएगा सी टू डी। अच्छा, जब आप ये बना रहे हैं ना, बनाते बनाते बहुत ध्यान रखना है, आप सबसे लो कॉस्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जा रहे हैं, लेकिन इस ऑर्डर में जाते जाते आपको कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, सी टू डी अगर मैं बनाती हूँ, जो कि 4 है, बन गया साइकिल, हमारा ग्राफ हो गया यहाँ पे खराब, तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको हम अपनी लिस्ट से कट आउट कर देंगे, ये हम नहीं बना रहे। फिर डी टू एफ देखेंगे, डी टू एफ साइकिल बन जाएगा, डी टू एफ हम नहीं बनाएंगे, इसको भी हम कट कर देंगे, कट कट। फिर बी टू डी था, बी टू डी भी साइकिल बनेगा, इसको हम नहीं बनाएंगे, कट कट। ए टू बी, हाँ ए टू बी नहीं बन रहा क्योंकि हमारा ये वाला वर्टेक्स अभी आया ही नहीं है, ये हमने बना दिया, 7 हो गया। फिर आता है ए टू सी, 8। ए टू सी हम नहीं बनाएंगे, अगर हमने बनाया तो हमारा साइकिल बन जाएगा। बस ये था आपका क्रूसकल्स, और आप लोगों का कोर्स हो गया कंप्लीट। कोई सवाल?
इसे ट्री ट्रैवर्सल कहते हैं? नहीं, ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स है, क्रूस्कल्स एंड प्रिम्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और ट्री ट्रैवर्सल में क्या आ जाते हैं? ट्री ट्रैवर्सल में आ जाते हैं इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। वो बाइनरी ट्री का आता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, तो उसमें आता है आपके ट्री ट्रैवर्सिंग, जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर आता है। ग्राफ में आते हैं ट्रैवर्सिंग सर्च, तो उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स होते हैं तो वो प्रिम्स और क्रूस्कल होते हैं, जो कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री में आते हैं। ओके 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 और कोई सवाल? जी भी तो होती है ना एवीएल, और उसमें रोटेशन भी है ना एवीएल में और बाइनरी में? इनमें एवीएल में और बाइनरी में जी बिल्कुल होती है डिलीशन। हाँ एवीएल की हमने सर, कल की दिन की भी थी। नहीं मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ। रोटेशन एवीएल में होती है, रोटेशन सिर्फ एवीएल में होती है, सही है सर। बाइनरी ट्री में नहीं होती। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं है, चले फिर हम एंड मारते हैं।